हेलो, मैं लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारी और तुम्हारे पिता की बहुत जल्द हत्या कर दूंगा। इन अल्फाजों के साथ अमरोहा सीट से विधायक महबूद अली और उनके बेटे एमएलसी परवेज अली को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी फोन कॉल पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से दी गई। धमकी मिलने के बाद विधायक के परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। पूर्व एमएलसी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। चर्चा है कि जिस मोबाइल नंबर से धमकी दी गई है उसकी लोकेशन हरियाणा में है। अमरोहा नगर के मोहल्ला दानिश मंदन में निवासी महबूब अली अमरोहा विधानसभा सीट से इस बार पांचवी बार विधायक चुने गए हैं। सपा सरकार में महबूब अली कैबिनेट मंत्री रहे थे, जबकि उनके बेटे परवेज अली विधान परिषद सदस्य मुरादाबाद बिजनौर में भी रहे हैं। उनकी पत्नी सकीना बेगम पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। वर्तमान में वो जिला पंचायत सदस्य हैं। पूर्व एमएलसी परवेज अली का आरोप है कि शुक्रवार की दोपहर करीब 3:15 पर उनके पिता महबूब अली के पास एक नंबर से कॉल आई। जैसे उन्होंने फोन रिसीव किया तो कॉल करने वाले व्यक्ति ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर जान से मारने की धमकी दी। इस धमकी को महमूद अली ने नजरअंदाज करते हुए फोन काट दिया, लेकिन इसके कुछ देर बाद उसी नंबर से पूर्व एमएलसी परवेज अली के पास कॉल आई और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे, जिसमें धमकी देने वाले व्यक्ति ने अपने आप को सोमपू 007 ग्रुप से बताया। कहा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारी और तुम्हारे पिता की बहुत जल्द हत्या कर दूंगा। धमकी मिलने के बाद विधायक और उनके परिवार में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पूर्व एमएलसी परवेज अली ने एसपी विनीत जायसवाल से शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद नगर कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है। टीमें लगातार अपना काम कर रही हैं। नंबर ट्रेस करने से पता चला है कि धमकी देने वाला व्यक्ति बाहर का रहने वाला है। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा गया है कि टीम आरोपी के करीब तक पहुंच गई है, कुछ घंटों या रात तक आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि अब इस मामले को लेकर यूपी पुलिस भी गंभीरता से जांच करनी शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस के लिए चुनौती ये है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब यूपी में किसी बड़े नेता को बिश्नोई गैंग ने धमकी दी हो। इसलिए पुलिस इस धमकी के पीछे की कड़ियां भी जोड़ रही है कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे यूपी में भी तो नहीं एक्टिव हो रहे हैं, और कई एंगल से इसकी जांच भी की जा रही है। लेकिन इस जांच के साथ साथ पुलिस के लिए चुनौती ये है कि पहले पूर्व MLC परवेज अली और विधायक महबूब अली को महफूज रखा जाए, क्योंकि ऐसे खतरनाक गैंग किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। और यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने लायक होगी कि कहीं धमकी देने के बहाने पुलिस को उलझाया तो नहीं जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।